चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जरा इसे समझिए। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो कहाँ पे लगा, कब देखने को मिलता है? तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग, ठीक है, तो वो या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म मोशन से, तो वो उसी कंडीशन में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, ठीक है। और इसी को हम इनर्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? इनर्सिया। तो देखिए, ध्यान रखने वाली यहाँ पे चीज़ है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्सिया के बारे में। तो देखिए, इनर्सिया जो होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ये होते हैं टाइप्स ऑफ इनर्सिया।